हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको करा रहे हैं बिहार पुलिस परीक्षा का एग्ज़ाम जो आपका 8 मार्च को होने वाला है उसका फाइनल रिवीजन, ठीक है, क्योंकि टाइम जो आपका जो है बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फाइनल रिवीजन का जो है वीडियो नंबर कितना है, 11 है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि पूरा वीडियो को देखने के बाद जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपका जो एग्ज़ाम में जो है देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है जिस तरह से आपका 12 जनवरी के एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा गया था उसी के पैटर्न पर जो है इस टेस्ट को जो है बनाया गया। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है, वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को जो है घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरो को जो है घोषित किया गया था। ठीक है, तो बी जो इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो आपका कौन सा है, तो गोपालगंज है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, गोपालगंज है। फ्रेंड्स जिस वीडियो पर जो नए स्टूडेंट हो गए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में आपका कुल कितने भाग हैं, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 22 भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत यानी वोट देने का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है आता है। ठीक है, वोट देने का अधिकार जो आर्टिकल नंबर कितना में आपका बोला गया है, तो आर्टिकल नंबर 326 यानी 326 में जो आपका जो है बोला गया। ठीक है, तो सी जो इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग आपका कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलचर। ए जो इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बन टोटा बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है। तो हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, टेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, आपका जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बी जो इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 44 एन डी जो इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है अति सघन वन है। तो बिहार के कितने भूभाग पर जो अति सघन वन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.35% पर जो है अति सघन वन है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, रंगराजन कमेटी कब गठित किया गया था। तो रंगराजन कमेटी जो कब गठित किया गया था, आपका 2005 ईस्वी में गठित किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी याद रखिएगा। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपया जो है दिया जाता है। ठीक है, तो डी जो इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन की योजना के तहत जो 1 लाख रुपया जो है दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य इनमें से कौन नहीं होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल जो है नहीं होते। ठीक है, बाकी तीनों जो है राज्य के मुख्यमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों जो होते होते हैं। ठीक है, ये जो इसका क्या है, राइट आंसर, राज्यपाल नहीं होता है। बिहार धारणी विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है। तो बिहार धारणी विकास संबंधित बोर्ड आपका कौन सा है, योजना और विकास विभाग। तो ये जो इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, याद रखिएगा, 1919 और 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन जब हुआ था उसका प्रमुख नेता कौन थे, सहजानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, तो बी जो इसका क्या है, राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, वो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो आपका किससे होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो ए जो इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थिर होता है, यानी पृथ्वी से उपग्रह की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर जो स्थित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर से जो इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, एक सिंग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। तो एक सिंड वाला राइनो गेंडा जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम में जो है पाया जाता है। ठीक है, असम में। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष आपका क्या है, तो सभी फ्रेंड्स को पता ही होगा कि बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, बरगद। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो आपका जो है 22 अप्रैल को जो आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 16 सितंबर को जो आपका कौन सा डे मनाया जाता है, ओजोन परत डे जो है मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत डे जो आपका जो है 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्लोबल वार्मिंग गैस किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड किस कारण होता है? ठीक है, तो CO2 जो इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है, बी जो इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है, CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला, ठीक है, ए जो इसका क्या है राइट आंसर है, खाद्य श्रृंखला, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन, डी जो इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, देखिए याद रखिएगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिऑक्सीजनित रुधिर किस में निहित आता है? तो डिऑक्सीजनित रुधिर जो है किस में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दायां नीले, यानी बी जो इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है, दायां नीले, ठीक है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो प्रारंभिक खाद्य इन चारों में से कौन सा नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध जो इसका क्या है प्रारंभिक खाद्य नहीं है, ठीक है। फल अनाज सब्जी तीनों जगह क्या है प्रारंभिक खाद्य, ठीक है, लेकिन दूध आपका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान कितना होता है? तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ए जो इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, ए क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका रोग किससे संबंधित है? तो टीका रोग जो आपका है किससे संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर किससे होगा? मूंगफली में जो आपका क्या होता है टीका रोग होता है, तो डी जो इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबेसिक एसिड क्या है? तो ट्राइबेसिक एसिड आपको क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर फास्फोरिक अम्ल, तो सी जो इसका क्या है राइट आंसर होगा, फास्फोरिक अम्ल, यानी सी जो इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। अस्कॉर्बिक अम्ल एक किस विटामिन का नाम है? तो अस्कॉर्बिक अम्ल जो है किस विटामिन का नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है, अस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो सी जो इसका क्या, सी जो इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो धातु अभिक्रिया जब अम्ल से करता है तो हाइड्रोजन गैस को जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। तो डी जो इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 वाले अधातु तत्व कौन सा है? तो 2, 8, 10, 17 क्लोरीन का जो परमाणु संख्या कितना होता है? 17। तो ठीक है, बी जो इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। क्लोरीन का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 17, ठीक है। तो सी ए बी जो इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का कार्य क्या होता है, यानी जल का संवहन करना। तो ए जो इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है, जल का संवहन करना जाइलम का होता है। खाद उत्पादन का संवहन, गैस एवं खाद उत्पादन, खाद को सभी जगह पहुंचाने का काम किसका होता है? तो फाइलम का होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं? तो रासायनिक परिवर्तन इन चारों में से कौन सा नहीं? तो पानी का उबलना जो आपका क्या है रासायनिक परिवर्तन नहीं, ठीक है। लेकिन कागज का जलना, कोयला का जलना, दूध का खट्टा होना, ये सब आपका क्या है रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, पानी का उबलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, H2SO4 का एटोमोसिटी कितना होता है? नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड का जो है एटोमोसिटी कितना होता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7, यानी डी जो इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का उत्पादन क्या है? तो साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो पानी, साबुन का सह उत्पाद क्या हो? तो ग्लिसरॉल, यानी बी जो इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो नेक्स्ट, तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है, तो आपका बिल्कुल सही सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है और भार बदलते रहता है, ठीक है, द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर, आपका गलत है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर, ये भी गलत है। द्रव्यमान और भार दोनों बदलते, ये भी गलत है। ये जो आपका इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलास से पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पर जो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी सेम रहेगा, तो आयतन वही रहेगा। तो सी जो इसका क्या है राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से क्या होगा? तो पृथ्वी पर जो है ज्यादा होगा, ठीक है। तो बी जो इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, बी इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में कितना सोना होता है? तो 18 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना में कितना परसेंट सोना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75%, यानी डी जिसका क्या है राइट आंसर, ठीक है। 24% सोना में जो आपका होता है 100%
सोना होता है, ठीक है। लेकिन आपका 18 कैरेट सोना में पूछ रहा है, तो 75% इसमें सोना होगा, ठीक है। 24 कैरेट सोना में जो 100% जो सोना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा के गलवीकरण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? तो लोहा को गलवीकरण करने के लिए जो है जिंक का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, ग्रेनुलाइजेशन के लिए। तो सीज उसका क्या है राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।